Hello friends, welcome back to Study Khazana. Today we are going to do chapter number 4, The Rat Trap of Flamingo. Rat Trap is written by Selma Lagerlöf. Iske andar jo sabse best part hai, that is this, ki this is written in a fairy tale manner. That is, too with happy ending. Aur is chapter ki jo ek sabse badi khasiyat hai, wo storytelling manner hai. किस तरह से रीडर या स्टूडेंट्स इससे जल्दी कनेक्ट होते हैं और एक एक ऐसा मैसेज जो सब तक कन्वे किया गया है दैट इज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट विद द ऑथर्स इंट्रोडक्शन दैट इज सेल्मा लेजरलॉफ 1858 टू 1940. अगर आप सेल्मा के बारे में ही पढ़ें अगर आप सेल्मा के बारे में पढ़ें तो इनकी अपनी लाइफ बहुत यू नो इंस्पिरेशनल है. आप उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और एट द एज ऑफ 3 or 4 आई थिंक इनको पैरालिसिस हो गया था. उसके बाद भी इन्होंने किस तरह से अपने आप को ओवरकम किया, नेवी बैकग्राउंड की थी और किस तरह से इनका इंटरेस्ट राइटिंग में गया, कैसे फादर की डेथ के बाद जब डैड्स ही इनके लिए सिर्फ एंसेस्ट्री में इनको मिले थे, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल किया और एट द एंड ऑफ यू नो अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड किया और फर्स्ट लेडी बनी जिनको नोबल लिटरेट अवार्ड मिला लिटरेचर में, नोबल अवार्ड. और सेल्मा लेगरलॉफ का जो इंटरेस्ट था स्टोरीज में वो कैसे बना कि उनकी ममा उनको स्टोरी टेलिंग इनका एक फेवरेट यू नो पास टाइम होता था अपनी मदर के साथ. शी यूज टू टेल हर मेनी स्टोरीज. यूजुअली आपको लगेगा इसमें क्या नई बात है, हर किसी के मम्मी पापा सुनाते हैं, लेकिन इनकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी देखेंगे जहां इन्होंने खुद बताया है तो वो यही है कि किस तरह से उसी टाइम से इनको अपनी हर बात स्टोरी के थ्रू कहनी बहुत अच्छी लगती थी और इस यू नो कंटेक्स्ट में वो बहुत फेमस भी रही है इन लाइफ आफ्टर लाइफ टू. So, Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Bahut languages mein inki stories translate hui hain. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. Aur yahan par, jab to ye chapter aayega, aap ye wala to likhenge hi, ki a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. जहां भी इस chapter का message जाएगा, आप ये line तो mention करेंगे ही करेंगे. इसके अलावा आपको अगर मौका लगे आप सेल्मा की life की जितनी भी you know उनकी written stories को आप read करते हैं तो आपको हर जगह ये theme तो उनकी हर story में मिलेगी ही with happy ending. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore. So this is the background of the story. कहाँ लिखी गई है, किधर set किया गया है story को, which figure large in the history and legends of that country. So basically, the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. तो एक fairy tale के style में आपको ये कहानी सुनाई गई है. और जनरली तो फेरी टेल्स जितनी भी होती हैं हैप्पी एंडिंग के साथ ही होती हैं. यहाँ भी हैप्पी एंडिंग है बट किस तरह से ये शुरुआत होती है, लेट्स रीड दैट. ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है. ये जैसा कि मैं हर चैप्टर में आपसे कहती हूँ कि साथ साथ हम बताते जाएंगे, इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. अब स्टोरी शुरुआत भी कैसे हुई है, वंस अपॉन अ टाइम, जिस तरह से स्टोरीज स्टार्ट होती हैं. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. तो एक टाइम की बात है, एक पर्सन था जो स्मॉल रैट ट्रैप्स बेचा करता था. यू नो वॉट इज रैट ट्रैप, अ ट्रैप दैट इज मेड टू कैच रैट्स, चूहेदानी जिसे हम बोलते हैं. सो वायर के बने हुए रैट ट्रैप्स बेचा करता था, छोटे छोटे रैट ट्रैप्स, स्मॉल रैट ट्रैप्स. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब इनकी जो खासियत थी वो क्या थी कि ये rat traps वो person खुद बनाया करता था odd moments पे. Odd moments मतलब whenever he gets time या जब भी उसको you know availability पे depend करता था, उस material से बनाता था जो या तो उसे begging करके मिलता था
स्टोर्स में या फिर बिग फार्म्स पे मिलता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. कौन सा बिजनेस? सेलिंग रैट ट्रैप्स. तो ये बिजनेस जो था ये प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर. नाउ व्हाट डज दिस मीन? बॉडी एंड सोल टूगेदर टू स्टे अलाइव. ओके, और इस पर्पस के लिए अगर उसे छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी तो वो चोरियां भी करता था, बेगिंग भी करता था. जब उसको वायर्स इतनी सफिशिएंट मिल जाती थी तो एक ही आर्ट वो जानता था, दैट वाज मेकिंग रैट ट्रैप्स, और उन रैट ट्रैप्स को वो बेच दिया करता था. तो जो भी छोटा मोटा अमाउंट मिलता था उससे ही यूज्ड टू स्टे अलाइव. और यहाँ पर आप इसको की बॉडी एंड सोल टुगेदर को कहीं भी जहां आपका ये मैसेज हो लिखने वाला वहां यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है. सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन तैयार होता है दैट इज बेसिकली कि कौन किसके बारे में ये स्टोरी है, और ये जो पर्सन है रैट ट्रैप पेडलर क्या काम करता था और किस तरह से अपना लाइवलीहुड अर्न करता था. तो ही यूज टू सेल स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर विच ही गॉट with the material which he got by begging or thievery from the big farms. अब इतना सब करके भी even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken, मतलब बहुत poor था, बहुत ही ज्यादा poor, and hunger gleamed in his eyes. Hunger उसकी आंखों में ही दिखती थी. तो ये सब करने के बावजूद भी he was not able to fill his hunger या fill his stomach. वो नहीं था capable इस चीज के लिए. So cheeks were sunken, malnutrition या poor इतना कि उसको खाने को नहीं मिलता था. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. अब यहां पर बेटा एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है. सलमा जो अपनी स्टोरीज के थ्रू बताना चाहती हैं सोसाइटी में रहने वाले हर कैटेगरी के पर्सन के बारे में कि आप जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, यू आर क्वाइट ब्लेस्ड. आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो शायद किसी के भी पास नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस चीज को पाने के लिए तरस रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वी शुड बी we should show our gratitude towards God या our parents कि हम ये सब अचीव कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी ब्लेस्ड लाइफ है. तो जनरली क्या होता है, ये एक एम्पथी लाने की बात है कि आप समझो इस चीज को कि यूजली कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसे लोगों की लाइफ कितनी सैड और कितनी मोनोटोनस होती है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनस? दैट इज बोरिंग, बहुत बोरिंग, राइट. सो यहां पर ये चीज इन्होंने कहा टू सच अ वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड कौन होता है? जो जगह जगह घूमने वाला वॉन्डरर आप लिख सकते हैं, जिसका कोई घर नहीं होता, आज यहां तो कल वहां. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, बस बिना किसी प्लॉट्स रोम अराउंड बिना किसी पर्पस के. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. तो यहाँ वो मेडिटेशन यूजुअली क्या है, मेडिटेशन का एक बड़ा रॉन्ग सा कॉन्सेप्ट बच्चों में गया हुआ है कि मेडिटेशन होता है शायद आपने कहीं दिया बाती, धूप कुछ जगाया, गॉड के सामने बैठे तो आप पूजा कर रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन. नो, इट इज ऑल अबाउट कंटेम्पलेशन, थॉट प्रोसेस. तो अपना अकेला चल रहा है, लाइफ में कोई फ्रेंड्स है या नहीं है, जो भी चीज आ रही है उन चीजों को सोचते सोचते बहुत ध्यान से मेडिटेट किए जा रहे और अपने थॉट प्रोसेस में ही बिजी है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लेकिन एक दिन एक बड़ा अच्छा सा थॉट इस पर्सन के दिमाग में आया और लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो इसको खुद को बहुत एंटरटेनिंग लगा. कभी कभी होता है कि आप लोग का अपना माइंड आपकी एक गट इंट्यूशन होती हैं या गट इंस्टिंक्ट होती है, या आप खुद से कभी कुछ ऐसा सोचते हैं कि बड़ा प्राउड फील होता है अपने सोच पे, अरे वाओ मुझे इतना पता है या मैं ये चीज सोच पाया, पता नहीं कोई सोचेगा या नहीं. सो
चल रहा है अकेला, बहुत सैड मोनोटोनस सी लाइफ है, उसमें कभी कभी थॉट्स ऐसे आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग फील करता है, तो इस थॉट पे भी उसने बहुत एंटरटेनिंग अपने आप को फील किया. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज रैट ट्रैप अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, cities and villages was nothing but a big rat trap. ये चीज उसकी समझ में आई, अपने rat trap देख रहा था. अब usually क्या होता है, जैसे जिसको maths बहुत पसंद है, कभी कभी आपने WhatsApp पे ऐसे messages देखे होंगे, exam days होते हैं तो you know maths वाले maths language में भेजते हैं messages, accounts वाले accounts की language में, science वाले science की language में, English वाले भी बहुत अच्छा message बना के भेजते हैं कि कैसे भेजते हैं कि यू नो कैसा चैप्टर है कि जो स्टार्ट ही लास्ट लेसन से होता है. तो यूजुअली हर किसी की क्रिएटिविटी होती है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस चीज में ज्यादा डिवोशन फील करते हैं या जिस चीज की चारों तरफ से घिरे रहेंगे, आपको सब तरफ वही वही दिखता है. ठीक है, सो यहाँ पर अब उसके पास तो रैट ट्रैप है, कोई लोग भी नहीं है बात करने का, कोई कुछ और पर्सन भी नहीं है, रैट ट्रैप हर समय दिमाग में घूमता रहता है. तो एक थॉट आया कि ये पूरा वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में लैंड है, सी है, सिटी है, विलेज है और बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, एक बिग रैट ट्रैप की तरह है. ये थॉट उसके माइंड में आया. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. देसी भाषा में अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें, सब मोह माया है सब. तो यहां पर वो थॉट उसको आया और उसने कहा कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप है और हम सब, मतलब ये जो चीजें हैं यहाँ पर, वो बेट का काम कर रही हैं. बेट क्या है? चारा. जैसे आप रैट को ट्रैप कराने के लिए वहां बेट रखते हैं, रैट ट्रैप में कुछ भी फंसा के रखते हैं जिसके लालच में वो आ जाता है, तो हमें भी ये सब बेट्स जो हैं वो मिल रहे हैं. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज. अब बेट क्या क्या है? रिचेज एंड जॉयज. मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि बेट के लिए आप थोड़ा सा क्लियर रहे आपको. रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोदिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज इन ऑन हिम. जैसे ही कोई भी इन चीजों से टेम्प्टेड होकर बेट को टच करने की कोशिश करता है, उसी समय क्या होता है, वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और लाइफ वहीं पर एंड हो जाती है. तो कहीं ना कहीं जो वॉन्डरर्स हैं, जिनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, जिनको अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना, कुछ ऐसा नहीं सोचना, तो उन्हें लगता है कि शायद आई एम फ्री, बाकी सब वेले हैं, हर चीज में बिजी है. तो यहां पर उसका ये जो थॉट प्रोसेस है, ये क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज हिज लाइन ऑफ थॉट, उसका जो लाइन ऑफ थॉट था वो क्या था. ठीक है, और उस लाइन ऑफ थॉट के हिसाब से या इसका जो कंटेम्पलेशन हुए या मेडिटेशन के दौरान एक थॉट आया, या इसने लाइफ को, वर्ल्ड को लेके ये क्या सोचता है, आप यही देंगे कि होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. तो पूरे वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है? रैट ट्रैप से. तो वर्ल्ड के लिए रैट ट्रैप क्या है? मेटाफर. दिस इज मेटाफोरिकल मीनिंग, राइट, हिडन मीनिंग मैंने बताया पहले भी स्लाइड्स में आप लोगों को. उसके अलावा बेट्स क्या है यहाँ पर? बेट्स हैं आपके रिचेज एंड जॉयज, पैसा, फन, मस्ती, एक्साइटमेंट, लेविश लाइफ. कई लोगों के लिए सिर्फ फूड एंड शेल्टर, हीट एंड क्लोदिंग, ये सब चीजें जो है बेट है. हर किसी के हिसाब से बेट का लेवल अलग हो जाता है. किसी के लिए सिर्फ फूड शेल्टर क्लोदिंग है, किसी के लिए एडुकेशन है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ. और जैसे ही कोई इनकी तरफ बढ़ता है, टेम्प्ट होके, इनसे टेम्पटेशन आती हैं, उस पर्सन के अंदर वो ट्रैप हो जाता है. जैसे एक रैट रैट ट्रैप में फंस जाता है, हम सब लोग इसमें फंस जाते हैं. हमारा बेट का जो मेटाफर है वो ये चीजें हैं, राइट, बेट का मेटाफर ये चीजें हैं जो मैंने मार्क कर दी आपको ऊपर. अब यहां पर अगर आप सामने होते तो मैं आपको सोचने का मौका देती. तो यहां पर मैं ही बता दूं कि रैट किसको बोला गया है, आप लोग सोच सकते हैं. रैट यहां पर ह्यूमन बींग्स को बोला गया है. तो रैट मेटाफर किसके लिए है? हम
ह्यूमन बींग्स के लिए. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज हिज लाइन ऑफ थॉट. पहले उसका लिटरेरी एक्सप्लेनेशन इज एज इट इज, जो उसके मन में आया, देन एक्सप्लेनिंग इन अ मैनर ऑफ मेटाफोरिकल ट्रुथ. The world had, of course, never been very kind to him. Now the question is, why this thought was entertaining for him? उसके लिए ये thought entertaining क्यों था? क्यों खुश हो रहा है वो देख के कि wow, ये सब लोग तो फंस गए, मैं नहीं फंसा, ये thought उसके अंदर आया. अब ये world उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं था. आप कभी imagine भी नहीं कर सकते, करना चाहेंगे भी नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए सोच के देखो, जितने भी beggars हैं, thief हैं, और जो यू नो लाइफ में अकेले रहते हैं, बहुत ज्यादा वॉन्डरर्स हैं, वेगाबॉन्ड्स हैं, किसी भी चीज के एडिक्ट हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स वगैरह, दे आर एक्चुअली फेड अप ऑफ लाइफ. कहीं ना कहीं बहुत अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद, या किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड से डिसअपॉइंट होने के बाद, आप इन चीजों की तरफ जब जाते चले जाते हो, जब आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, और धीरे धीरे क्या होता है, इनको आगे से जो ट्रीटमेंट मिलता है वो क्या मिलता है, वर्स्ट, जो इनको और बेटर बनाने की बजाय वर्स्ट बनाता चला जाता है. तो इस केस में आपको याद होगा, एनिमी में मैंने कहा था कि दो तरह के लोग होते हैं. एक सोचते हैं जब किसी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं क्यों करूं, और कुछ होते हैं कि व्हाट लाइफ हैज नॉट गिवन टू मी, आई शुड गिव इट बैक. मुझे वो चीज वापस देनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरे पास अब बहुत आ गया है या मैं बहुत कुछ अर्न कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये पर्सन जानता है पेन ऑफ नॉट हैविंग. अब ये जो सेकेंड टाइप के पीपल है, ये सिर्फ 3-4% है, बाकी सारे हमारे बहुत बहुत ज्यादा रेंज में है. ये ज्यादा वाली कैटेगरी का था. इसने यहां पर क्या सोचा, वर्ल्ड हैज नेवर बीन काइंड इनफ टू हिम, उसके साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया पूरे वर्ल्ड में किसी ने. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक, उसको बहुत अच्छा सा फील हो रहा है एक कि इल ऑफ इट्स इन दिस वे, मतलब उनके बारे में बुरा सोचकर उसे बहुत अच्छा सा लगा. अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. जिन्होंने अपने आप को इस snare में, snare is what? एक तरह का पूरा वो bond जिसके अंदर अपने आप को बांध रखा है, and of others who were still circling around the bait. तो यहां पे जब क्वेश्चन आपको आए कि व्हाई दिस थॉट वॉज एंटरटेनिंग फॉर हिम, ये जो थॉट था उसका, वो उसके लिए एंटरटेनिंग क्यों था, तो आप यहां पर आंसर करेंगे कि पहली चीज, वर्ल्ड उसकी तरफ कभी भी काइंड नहीं रहा, राइट? तो उसको लोगों के बारे में बुरा सोच के बहुत अच्छा लगता है, मेरा क्या, फंस रहे हैं, देखेंगे अपने आप, मैं तो फ्री हूं, मुझ पे किसी का कोई बर्डन नहीं है. लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात सेल्मा लेगरॉफ ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बिना कहे एक वैल्यू की फॉर्म में हमें समझा दी कि बहुत बार मैं ये तो कहती हूं आपसे कि डू नॉट जज, डू नॉट जज, डू नॉट जज, लेकिन यहां पर जज का मीनिंग ये नहीं है ओके मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन आप हंस रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी की सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, और अपनी लाइफ में इफ एंड बट या वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो जाता है कि लोग ऐसा कर लेते हैं, तो ये कभी किसी बुरी सिचुएशन के लिए मत लगाना अपने आप से. ये जो लाइफ की एक रियलिटी है, सबसे बड़ा लॉ है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं आप लोग, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के नाम से भी जानते हैं, अगर ना पढ़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कि एक्चुअली आप जहां अपनी सारी एनर्जी फोकस कर देते हैं, वही एनर्जी आपको वो सब दिलाती है जो प्री डोमिनेंट थॉट होता है आपका. अब अगर आप किसी बुरी चीज में लगाएंगे, पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, लाइफ आपको सिचुएशन में डालेगी उसी, जस्ट टू मेक यू फील कि कैसा फील होता है, कैसा एक्शन लिया जाता है. या कई लोग ऐसे कहते हैं, तेरी जगह मैं होता तो मैं ये करता, मैं वो करता. आई एम सॉरी टू से कि दे पीपल हैव नॉट फुल आइडिया अबाउट लाइफ, उन्होंने अभी लाइफ अच्छे से
जी नहीं है, चाहे वो कितनी ही एज के क्यों ना हो, लेकिन एक 15 साल का इंसान भी अगर ये उठ के कहता है सॉरी, जब तक मैं आपकी सिचुएशन में नहीं आऊंगा मैं नहीं कह सकता, मैं जजमेंट पास नहीं कर सकता, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि वो लाइफ को बहुत अच्छे से समझता है। क्योंकि किसकी सराउंडिंग्स में, किसके मन में क्या चल रहा है, किसकी कितनी पेशेंस है, किसके क्या रिसोर्सेज है, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ये चीजें डिसाइड करती है कि कोई पर्सन कैसा बिहेव क्यों कर रहा है। सो अगर आपको कभी भी लाइफ में हाउ वाई ये सब लगाना ही है तो अच्छी चीजों में लगाओ। पता नहीं लोग इतना पढ़ कैसे लेते हैं, या इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आते हैं, या बिलियनेयर कैसे बन जाते हैं, अच्छी चीजों में, ताकि अगर लाइफ हमें उसके आंसर्स दे तो हम अच्छे जोन में पहुंचे। सो यहाँ पर बहुत एंटरटेनिंग फील हो रहा है उसको कि भाई मैं तो फंसा नहीं, मैं सही हूं अपनी जगह पर, ये लोग सब फंसे हुए हैं, कुछ उस बेट के चारों तरफ चक्कर काटे जा रहे हैं और कुछ उस स्नेयर में दब चुके हैं, तो अब मैं फ्री हूं, इसे ये देख के बहुत यू नो एंटरटेनमेंट फील हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, दूसरे डिस्टर्ब हैं तो होते रहे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग अगेन वही मूविंग अराउंड रोविंग अराउंड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, ग्रे पुराना सा, by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो यहाँ पर बहुत ठंड में dark evening थी, एक grey cottage उसको दिखा roadside पे, उसने knock किया उस door पे ये सोचते हुए कि शायद उसको उस रात को बिताने के लिए shelter वहां पे मिल जाए। Nor was he refused. He was very surprised to see कि उसको रिफ्यूज नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो यहां पर वो बहुत सरप्राइज हुआ ये देखकर कि उसे मना तो नहीं किया, इनफैक्ट बहुत अच्छे से एक ओल्ड मैन ने उसको वेलकम किया, उसे रहने के लिए जगह दी, बहुत अच्छा होस्ट बनेगा वो, उसको खाने पीने को भी देगा, उसके साथ गेम भी खेलेगा, और उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो पर्सन अकेला अपने घर में रहता था, उसे लगा कि मेरे लोनलीनेस पास करने के लिए कोई आ गया है, आज की रात एटलीस्ट मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा, और वो उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है और अपने पास बुलाता है, जगह दे देता है रहने के लिए। इमीडिएटली ही पुट पॉरेज पॉट ऑन द फायर, पॉरेज इज दलिया, वो बनाने के लिए रखता है, and gave him supper. Supper is heavy meal of evening, जो last meal होता है evening का, this is that, ठीक है। So यहां पर उसने उसे supper दिया, then he carved off such a big slice from his tobacco roll, फिर उसने उसको क्या दिया, tobacco roll, और जिस तरह से कईयों के यहाँ पर अगर वाइन वगैरह ऑफर करनी अच्छी मानी जाती है, यहाँ पे टोबैको रोल, इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, इतना उसने टोबैको रोल किया जितना उसके पाइप के लिए और स्ट्रेंजर के लिए, यानी रैट ट्रैप पेडलर के लिए काफी हो सके। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजॉलिस, तो यहाँ पर एक कार्ड गेम है ये, वो गेम उसने कार्ड की खेली with his guest until bedtime. तो उसने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसको दिया और खाने को दिया, रहने को दिया, रेस्ट करने के लिए दिया उसे, उसके साथ गेम खेली, एक बहुत अच्छे होस्ट की तरह उसने उसको वेलकम किया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जितना honest, जितना loyal वो टोबैको और पॉरेज देने के टाइम में था, उतना ही जेनरस वो किस समय था, अपनी सीक्रेट उसको बताने में। सो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट द रामस्टो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, तो उसने उसको बताया कि अपने प्रॉस्पेरिटी यानी अच्छे टाइम के वक्त ये रामजो आयरन वर्क्स में काम करता था एज अ क्रॉफ्टर, और उसने लैंड पे भी काफी टाइम काम किया है, अब उससे इतनी हार्ड लेबर होती नहीं है तो उसने वो काम छोड़ दिया,
अब उसका जो सर्वाइवल है वो एक काओ के भरोसे चलता है, और उस काओ का नाम है यहाँ पे बॉसी, ब्रीड है वैसे तो बॉसी ब्रीड। तो उसने कहा यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। तो यहां पर उसने उसको बहुत सीक्रेटली एक बात बताई और उससे क्या कहा कि पहले मैं रामसो में वर्क किया करता था और अब जो है वो इससे लेबर नहीं होता है। तो इसने क्या किया, एक काओ उसके पास है, वो क्रीमरी मिल्क देती है और उसी मिल्क को वो सेल आउट सेल करके अपने लिए अर्निंग अर्न करता है। और फिर उसने बताया कि इसने 30 kroners वहां की करेंसी वो इसने सेव भी किया। स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। अब ये जो स्ट्रेंजर है वो इसको बहुत इनक्रेडुलस लगा होगा, मतलब अनबिलीवेबल फील करना या ऐसी लुक्स देना कि भरोसा नहीं हो रहा उसको इस बात पे। क्रेडुलस होता है ट्रस्ट करना और इनक्रेडुलस की नॉट बिलीविंग ऑन हिम। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब उसको भरोसा दिलाने के लिए वो उठा, विंडो के पास गया, एक लेदर पाउच वहां से निकाला जो कहां पे टंगा हुआ था, नेल यानी कि एक कील पे, इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। तो उसमें जो बिल्स है वो नोट जैसे करेंसी जो थी वो ऐसे मोड़ कर उसने पाउच में डाली हुई थी। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली। और ये सब उसने अपने गेस्ट के सामने ही फिर से रख दिया, देखा ये चीज थी और वो माना या नहीं माना वो विश्वास दिलाते हुए उसको वापस स्टफ देम बैक इनटू द पाउच और उसको वापस पाउच में डाल के वहीं कील पे टांग दिया। सो यहां पर अभी हमारा जो एक क्वेश्चन आता है वो यही आएगा कि हाउ कैन यू से Crofter was a good host, ठीक है। तो यहां पर Crofter ने जो कुछ भी उसको हेल्प किया उसको आप सारा मेंशन करेंगे, कैसे उसने उसको रहने के लिए जगह दी, कैसे उसने उसे फूड दिया, शेल्टर दिया, ठीक है, एंटरटेन किया, गेम्स खेली उसके साथ, खाने के लिए क्या दिया, और उसके बाद उतना ही जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस टू, और उस कॉन्फिडेंस के चलते इसने अपनी लाइफ का सारा सीक्रेट उसको शेयर कर लिया। तो ये सब उसने बताया, ये सारे पॉइंट्स आपके उसमें कवर होने चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा भी आ सकता है, व्हाट डज Crofter डू, कि Crofter जो है वो क्या किया करता था, वो भी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पहले आप बता देंगे कि वो Crofter था रामसो आयरन में, और फिर आप बताएंगे कि अब उसके पास काओ थी बॉसी काओ और उसी के मिल्क को वो सेल किया करता था, ठीक है। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब क्या है, अच्छे मूड में उठे। द Crofter वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काओ, वो गया क्योंकि उसे अपनी काओ मिल्क करनी थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड When the head of the house had gotten up, तो उसको लगा कि मुझे नहीं लेटे रहना चाहिए, जब owner of the house उठ गया है, वो जाने लगा है, तो मैं अकेला लेट के क्या करूंगा, वो भी उठ गया। They left the cottage at the same time, सब वहां से एक साथ उन्होंने कॉटेज छोड़ा। The Crofter locked the door and put the key in his pocket, उसने door lock किया और key अपनी pocket में रखी। The man with the rat trap said goodbye and thank you. And thereupon each went his own way. तो दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है। So यहां पर हम जो है अभी तक हमने इतना introduction देखा है कि एक rat trap peddler है और किस तरह से उसको एक thought process उसके mind में आता है, क्योंकि वो he was busy in his own contemplation. उस thought process के दौरान उसके दिमाग में क्या बात आई, उसको उसने पूरे world से कैसे relate किया वो question, फिर कैसे एक नाइट स्पेंड करने के लिए उसे Crofter का घर मिला जहां वो बहुत सरप्राइज था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्यों सरप्राइज था, क्योंकि आज तक इसको सार फेसेस मतलब अजीब से चेहरे वाले लोग
डांटने वाले भगाने वाले ऐसे लोग मिले थे, इतना सॉफ्ट पर्सन नहीं मिला था, और उस चीज के चलते एक अच्छा पर्सन मिला जिसने उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया। आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Thank you.